स्त्री शक्ति महिला अघाड़ी संगठना द्वारा चंद्रपुर नगर निगम कार्यालय के सामने पार्किंग और फुटपाथ दुकानों के संदर्भ में भाई भतीजावाद के विरोध में पुंगी बचाओ आंदोलन किया गया। स्त्री शक्ति महिला अघाड़ी ने 28 दिसंबर को चंद्रपुर की बढ़ती हुई समस्याओं के और आकर्षण करने ध्यान आकर्षण आंदोलन किया गया था। आंदोलन में संगठना ने प्रियदर्शनी चौक से बस स्टैंड तक रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर बने गड्ढे आए दिन दुर्घटना को न्योता देते हैं, उसकी तुरंत मरम्मत की और पुलिया के दोनों तरफ नो पार्किंग क्षेत्र होने के बावजूद अवैध रूप से ऑटो और वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आवागमन पर बुरा असर पड़ता है। उन सभी वाहन धारकों पर कड़ी कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित यातायात के उपलब्ध कराया जाए, इन सभी मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था। मगर तुगलकी व्यवस्था के आकाओं ने इन सभी मांगों को दरकिनार कर स्त्री शक्ति महिला आंदोलन को खत्म करने की साजिश के तहत जिलाधिकारी कार्यालय से न्यायालय तक फुटपाथ पर धंधा करने वाले जैसे कि चाय, झुनका भाकर, चिवड़ा जैसी दुकानों को पुलिस ने दलबल के साथ आकर उखाड़ दिया और इस मार्ग पर दुकान लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। और यह कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि ये सभी दुकानें स्त्री शक्ति महिला अघाड़ी के परिजनों की है। अभी इन महिला संगठन का आरोप है कि हमारा आंदोलन तोड़ने की साजिश के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। हमारी मांग आज भी जैसी थी वैसी ही है। हम सभी महिलाओं को जानबूझकर आतंकित किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन हमारी सभी मांगों को ठुकरा कर हमारे परिजनों के दुकानदारों को तकलीफ दे रहे हैं ताकि आज के बाद हम कोई आंदोलन ना करें। मगर प्रशासन की दादागिरी के बावजूद हम प्रशासन के विरोध में पुंगी बजाओ आंदोलन कर रहे हैं, चाहे हमें भूखे मारने की कोशिश क्यों ना हो। आने वाले दिनों में स्त्री शक्ति महिला अघाड़ी प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। 27 दिसंबर को हमने ध्यान आकर्षित आंदोलन किया था पुलिया पर पड़े गड्ढों पर और पुलिया के बाजू में जो अवैध वाहन खड़े रहते हैं उनका हटाव, इसके लिए हमने आंदोलन किया था। मगर वो आंदोलन की पूर्तता न होते हुए वहाँ पर जो आजू बाजू पर फुटपाथ के लोग दुकानदारी लगाते थे उनकी दुकानदारी हटाने में आई है, उसके वजह से हम लोगों ने फिर से आज पुंगी बजाओ आंदोलन रखा है कि वो गड्ढों की पूर्तता करो और वहाँ पर गोर गरीब लोग जो दुकानें लगाते थे उनको फिर से दुकानें लगाने की परमिशन दो। अगर इसके बाद भी प्रशासन ने हमारे आंदोलन की दखलता नहीं ली तो इसके बाद भी हम और आंदोलन करेंगे। चंद्रपुर से BCN न्यूज के लिए सुनील ताइडे की स्पेशल रिपोर्ट।